हेलो हाय एवरीवन, आई एम मैक्स पटेल। टुडे इज अ स्पेशल ब्लॉग इन योर रामायण मूवीज न्यू अनाउंसमेंट। गाइस, तो फाइनली दोस्तों रणबीर कपूर का न्यू फिल्म आ रहा है दोस्तों। फिल्म का नाम है रामायण। जिस प्रकार आप लोगों ने प्रभास सर का फिल्म देखा था आदि पुरुष, जिसमें उन्होंने श्री राम जी का किरदार निभाया था और कीर्ति सेनन माता सीता की रोल निभाया था, उसी प्रकार दोस्तों फिर से अब बॉलीवुड में ऋषि कपूर के सुपुत्र रणबीर कपूर का फिल्म आ रहा है रामायण, जिसमें वो श्री राम का किरदार निभाएंगे और उनकी धर्मपत्नी आलिया भट्ट माता सीता की रोल निभाने वाली है। गाइज आप लोगों को बता दें कि आदि पुरुष जो मूवीज आया था, जो कि रामायण पे ही आधारित था दोस्तों, वो बॉक्स ऑफिस पर 3 दिनों में मात्र 10 करोड़ का कलेक्शन किया और पूरा फ्लॉप हो गया और उस फिल्म का बहुत सारा बायकॉट चला पूरा इंडिया में और यूट्यूब पे तहलका मच गया। वो फिल्म थिएटर में मात्र 3 से 4 दिन में उतर गया और उसी पे आधारित पे अभी फिर से रामायण बनाया जा रहा है दोस्तों, जिसमें रणबीर कपूर हीरो होंगे और हीरोइन आलिया भट्ट हैं। और इसमें जो है गाइज रावण का किरदार में यश नज़र आएंगे। यस सर, जिन्होंने KGF, KGF 2 और कई सारी सुपरहिट फिल्म दी हैं गाइज। और आप लोगों को हम बता दें कि ये जो फिल्म है रामायण, इसके डायरेक्टर हैं नितेश तिवारी, जो कि बहुत सारे फिल्म उन्होंने दिए हैं, दंगल दिए हैं, छिछोरे दिए हैं, बहुत सारे फिल्म उन्होंने दिए हैं सुपरहिट मार्केट में। उस पर आधारित पे ये फिल्म आ रहे हैं रामायण और फिल्म बहुत ही बेहतरीन और रणबीर कपूर का श्री राम जी का किरदार में बहुत ही अच्छे जच रहे हैं। जैसे कि उनका पोस्टर लॉन्च हुआ दोस्तों, उसमें बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, श्री राम का किरदार में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। जिस तरह का उन्हें वस्त्र पहनाया गया है रणबीर कपूर का, तो वो बहुत ही अच्छे श्री राम जी के लुक में बहुत ही अच्छे लगते हैं। लेकिन माता सीता के रूप में आलिया भट्ट उतनी नहीं लग रहा है, क्योंकि माता सीता की जो कृति है वो अच्छी तरह रहना चाहिए था, उस तरह सा नहीं रहे। लेकिन देखते हैं फिल्म कैसा रहता है और आदि पुरुष से बेटर रहता है, स्टोरी कैसा रहता है, हम लोग उसका वेट करेंगे। अभी अनाउंसमेंट हुआ है, अभी शूटिंग वूटिंग सब चीज़ बाकी है और बहुत सारा इसमें अभी चीज़ बाकी है, स्टोरी चल रहा है बाकी। अभी सिर्फ सिलेक्ट हुए हैं रणबीर कपूर और आलिया भट्ट, जो कि बहुत ही अच्छा जोड़ी है, क्योंकि ये दोनों की लव स्टोरी जितना भी कहा जाए दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा जोड़ी है। इन्होंने हाल ही में शादी किया और उनके एक बच्चे भी हैं। तो देखते हैं, वेट करते हैं दोस्तों इस फिल्म का कब तक शूटिंग होता है। फिर आने में तो अभी 2024 में आएंगे, क्योंकि अभी उसका शूटिंग भी नहीं हुआ गाइज, और बहुत सारा इसका चीज़ बाकी है। तो हम लोग वेट करेंगे कितने दिन कितने साल लगेंगे और आप लोगों को न्यू अपडेट देते रहेंगे गाइज। तो आप लोग हमारे इस चैनल पर बने रहिएगा गाइज, इसी तरह का हम फिल्म रिव्यू का न्यू अपडेट आप लोगों को सामने में रखते रहेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिल्म बहुत ही अच्छा रहेगा गाइज, क्योंकि आदि पुरुष तो एकदम पूरा फ्लॉप गया और उसमें जितना भी डायलॉग था वो पूरा बकवास डायलॉग था, क्योंकि प्रभास सर के ऊपर उतना स्माइल नहीं आता था। जो श्री राम जिन्होंने अरुण गोविल सर ने जो रामायण बनाया था, उसमें श्री राम लक्ष्मण माता सीता का क्या रूप दिखता था, सभी एक तरह के भगवान के रूप में दिखते थे। लेकिन ये जो आदि पुरुष बना, ये तो सबसे बेकार, ना एक भी डायलॉग अच्छा, ना हनुमान जी का, सादा पूरा फिल्म है ना, VX पे लिया गया, ग्रीन पर्दा पे किया गया, सारे एनिमल ये वो, मात्र 3 से 4 RTC उसमें थे, बाकी सब ग्रीन पर्दा पे किया गया है। तो आप लोगों को पूरा दिखाएंगे गाइस, ये जो न्यू रामायण आएंगे इसमें रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की जोड़ी आप लोगों को कैसा लगेगा, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए गाइस। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।